हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कोलन पेट्रोलियम को आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है? जब पेट्रोलियम गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, ये भी क्या है? फॉसिल फ्यूल है, डेड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। गैस है तो इसको हम पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इजीली ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट है, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब देखो, जो नेचुरल गैस है उसको हम हाई प्रेशर पर स्टोर कर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने उसको किस में कर रखा है, सीएनजी के अंदर करा हुआ है। देखो, सीएनजी क्या है? सीएनजी इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब भी किसी गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगाया जाता है तो इसका मतलब उसे क्या कर दिया गया? कंप्रेस्ड कर दिया गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पर हाई प्रेशर लगा दिया गया, उसे कंप्रेस कर दिया गया, तो वही क्या होती? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट मींस सीएनजी बन गई। ठीक है, आप सभी ने अपनी डेली लाइफ में नाम सुना होगा सीएनजी, मोटर व्हीकल्स के अंदर भी यूज होता है, या फिर हम पावर जनरेशन जो है उनके अंदर भी यूज होता है। ठीक है, सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन एंड इट इज क्लियर फ्यूल। मतलब क्या है? ये सबसे ही कम पॉल्यूटेड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने वाला फ्यूल है। इसका मतलब क्या है? जैसे भी हम सीएनजी को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जब बर्न करने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर ये सबसे लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी वजह से इसको बोला जाता है क्लियर फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है, यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। इसको होम्स के में भी यूज किया जाता है एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, क्योंकि ये इजीली ट्रांसपोर्टेड है, इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इसको फैक्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है। तो ये था आपका नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो क्या है, लिमिटेड है, एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, तो ये भी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम, तो क्या कह रहा है? बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। जब भी ये फ्यूल्स, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जब इनको बर्न किया जाता है तो ये ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं एटमोसफियर में डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, एंड दीज फ्यूल्स आर लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये CO2 को ज्यादा एलिब्रेट करते हैं जैसे ये बर्न हो गए। नेक्स्ट है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च। क्या है इंडिया के अंदर? एक रिसर्च है जो कि क्या है, एसोसिएशन, कि किस तरह से हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखना चाहिए, उसका यूज कम करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रोड्यूस करने में, उन्हें बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हम एडवाइस पीपल्स हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। ठीक है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें किस तरह से पेट्रोल और डीजल को क्या करना होता है, कि हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो PCRIS में टिप्स दी हैं, लाइक ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, कि हमें ड्राइव करना चाहिए किस स्पीड पर, कांस्टेंट या फिर मॉडरेट स्पीड पर, जितना हमसे पॉसिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है, स्विच ऑफ द इंजन साइड ट्रैफिक लाइट। जैसे आप अगर ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक सिग्नल्स में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए अपने इंजन को, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, जैसे आप वहाँ पे खड़े हो, जो फ्यूल है वो कॉन्स्टेंटली बर्न होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमें अपने व्हीकल्स के टायर प्रेशर जो है, टायर है, उसके प्रेशर को मेजर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की जो यूसेज है वो कम हो जाएगी। लास्ट है, कार पूल का मतलब क्या है, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको एक ही जगह पर जाना है, तो वो अलग अलग व्हीकल्स ना लेते हुए एक सिंगल व्हीकल के अंदर, ठीक है, उसका यूज करते हुए वहाँ पर पहुँच जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका यूज कम हो जाएगा। सो
ठीक है, तो आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 5th कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक।